नाबार्ड के सहयोग से युवा जागृति संस्थान पर जो LEDP की जो ट्रेनिंग चल रही है गोधन, उसमें 150 महिलाओं के 5 बैच नाबार्ड की तरफ से स्वीकृत किए गए, जिसमें आज दूसरे बैच का समापन किया गया। और इस बैच में जो गोधन की जो ट्रेनिंग है उसमें भरतपुर से बुलाए गए रमेश जी के द्वारा महिलाओं को विभिन्न प्रकार की जो गाय के गोबर से बनने वाले जो उत्पाद हैं उनके बारे में सिखाया गया। अगर हम बात करें गाय के गोबर से धूप बनाने की, लकड़ी बनाने की, या फिर कलात्मक घर की सजावट करने के लिए जो मूर्तियां हों, या फिर गृह सज्जा की जो विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियां हैं वो आज बनाया, इन विगत 7 दिनों में लगातार उनके द्वारा सिखाया गया। और ये जो ट्रेनिंग कराई जा रही है, गोबर प्रशिक्षण कराया जा रहा है, यह नाबार्ड द्वारा लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कराया जा रहा है, जिसका मैं पूरा सम्मान करता हूं कि इन लोगों के प्रयास से ग्रामीण महिलाओं को और युवकों को एक स्वयं का स्वावलंबी बनने का कार्य मिलेगा। और साथ में महिलाएं दीपक बनाने का काम भी इसमें सीखा, और दीपावली के समय बहुत सी डिमांड होती है लक्ष्मी और गणेश की और दियों की, तो अब की बार इको फ्रेंडली जो दिए हैं वो बनाने का काम किया गया है। और विशेषकर जो रमेश जी ट्रेनर है उन्होंने एक नवाचार किया कि जब ये दिए विसर्जित किए जाएं या फेंके जाएं तो उसके लिए वो एक उत्पाद के रूप में काम आ सके, तो उन्होंने ये दिए बनाते समय तुलसा के कुछ बीज उनमें मिलाए गए हैं, जब दिए का उपयोग खत्म हो तो वो संबंधित व्यक्ति उन्हें विसर्जित करने के लिए गमलों में डालें और अगर कुछ दिन पानी लगातार दें तो उस गमले में जो तुलसा का पौधा है वो स्वतः ही उसमें उग पाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा नवाचार लगा। साथ में अगर गाय के गोबर से गुलाल बनाने की बात करें, वर्मी कंपोस्ट बनाने की बात करें या धूप बनाने की बात करें, ये सारी चीज़ें इस गोधन ट्रेनिंग में सिखाई गई हैं। मैं आपको सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए ट्रेनिंग चल रही है नाबार्ड के सौजन्य से भी बताना चाहूँगा, जैसे इको फ्रेंडली हम कोई भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, जैसे आप ये गोबर के माध्यम से बनाना चाह रहे हैं, गाय हमारी माता है, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में हमको शुरू से यही बताया हुआ है। और जैसे कि ट्रेनर जी ने कहा कि दूध के लिए ही नहीं, केवल हम लोग उसको गोबर के तरफ से भी देखें, जैसे जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। काम की बात जो हमारा फोकस है, जो हमारी नाबार्ड की सोच है या हमारे बैंक की सोच है या फिर हमारी संस्था की सोच यही है कि आप समूह से जुड़े हुए बहुत समय हो गया आपको, लगभग शायद 6-7 साल हो गए या 5 साल भी होंगे, कुछ नए भी होंगे। एक समय आने के बाद में आपको ज़रूरत होती है कि उस समूह के साथ साथ जो आपको पैसे की बचत हो रही है या आपको बैंक से लोन मिल रहा है उससे अपने घर की आमदनी बढ़ानी है, उसी काम को सोचते हमने कुछ सोचा कि कुछ ऐसा नया काम किया जाए, कुछ नवाचार किया जाए, इसके माध्यम से आपको निरंतर अपने घर में आजीविका का साधन मिले, आपने घर बैठ के कुछ कमाई कर सके। तो उसी तरह जो प्रयास किया गया है ये गोधन का, कि इसमें हमारी गाय हमारी माता, हम सभी पढ़ा भी है, हम सुनते भी हैं, लेकिन हम क्या उसका फ़ायदा ले नहीं पा रहे। उसके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे भी आज पहली बार मालूम चले, आपको भी हो सकता है कि अभी कई सारी चीज़ें आज ही मालूम चली हों जो हमारे प्रशिक्षक साहब उन्होंने बताया। अब इसका आपको क्या फ़ायदा कैसे करना है वो आपको खुद तय करना होगा। आपने जो बताए हैं अलग अलग समूह बनाए हैं आपने, जो 4-4 समूह में बना रहे हो आप लोग, आप निरंतर ये काम सीख के, काम को सीखना सिर्फ ये नहीं कि काम को सीख लिया बना लिया, लेकिन काम की फिनिशिंग कि जब अंत में जब मूर्ति जो भी है भी यह बनेगी, इसकी फिनिशिंग जितनी अच्छी होगी उतना अधिक मूल्य होगा। हो सकता है कि यही सामान, यही जो मूर्ति बनाई आपने, ये 10 रुपये में बिके और हो सकता है ये 500 रुपये में बिके। ये निर्भर करेगा उस बात से कि आप कितनी सुंदरता से इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं। अगर यही एक अच्छे मॉल में, अच्छी जगह पर, अच्छी शॉप पे रखा रहेगा और कांच के पैकेट उसमें रखा रहेगा तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने बहुत सुंदर बनाया है। तो किसी के पास शहर में या फिर मैं कहूँगा अलवर में या बांसुर में पैसों की कमी नहीं है ये ख़रीदने के लिए। जैसा कि आपको हमारे मैनेजर साहब ने बताया कि ये जो सोच है वो 20-25-50 साल बाद की है। आजकल लोग पूरा पुराने मतलब गांव की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? खाने के लिए अच्छा नहीं मिल रहा, हर कहीं कुछ ना कुछ मिलावट है। हमारी सोच, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ सरसों के तेल का, सरसों के तेल आज से कुछ साल पहले कोई खाना नहीं चाहता था, रिफाइंड ऑयल, पर अब ऐसी सोच दोबारा आ गई कि हमारे घर में भी कभी सरसों के तेल के अलावा रिफाइंड ऑयल नहीं आता है, हमारे नहीं अधिकांश, तो सरसों के तेल की बढ़ोतरी हो रही है। क्यों हो रही है? कि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं।
कोई रिफाइंड ऑयल को खाता है आजकल? कम बिक रहा है ना आजकल, क्योंकि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। ऐसे इको फ्रेंडली जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है जहाँ पे, सुना है ना आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, वही अगर आप सब्जी 40 रुपये किलो मिल रही है और हमको वो सब्जी ऑर्गेनिक के नाम पे 100 रुपये किलो मिल रही है, तो हम 100 रुपये किलो वाला खरीदना पसंद करेंगे। सही बात है, क्योंकि आप तो गाँव में आपको मिल पा रहा है, अच्छा दूध मिलता है, अच्छी छाछ मिलती है, अच्छा घी मिलता है, पर हमको शहर में नहीं मिल पाता। तो उसके लिए क्या है कि कितना भी रुपये देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो उसी प्रयास में आप देखिए कि अगर इस तरह की जो भी गोबर से बनी हुई चीज़ें जो कि आराम से डिकम्पोज जाती हैं, जो आराम से मिल जाती हैं मिट्टी में, है ना, जिनका पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने वाली है। अभी मुझे पता नहीं कितनी डिमांड है, जब बेचेंगे तो मालूम चलेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने वाली है। आज से लगभग 5-7 साल पहले हमने एक बार पढ़ा सुना था कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट में गोबर के गंडे बिकते हैं, है ना, तो हमको हंसी आई काफ़ी कि ये सामान ही बिकने लग गया। आपने सुना होगा तो कि ऑनलाइन ही सामान लोग खरीद रहे हैं अपने, है ना, फिर भी हंसी आई होगी उस समय, तो हमको तो आई थी। और अब ये देख रहे हैं कि आजकल गोबर का सारा सामान बिकना शुरू हो गया, इसका मतलब इसका भविष्य अच्छा है। लोग सोच रहे हैं कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात जो मूर्तियाँ बनती थी, धीरे धीरे लोग समझ के ये इसका नुकसान है लंबे समय तक। एक बार तो अच्छी लगती है लेकिन आगे जाके वो पानी में गल नहीं पाती और वो वहीं पे रखा रहेगा तो उसका नुकसान होता है। तो ऐसी चीज़ों का भविष्य है। तो इसी प्रयास में इन्होंने, गोकुल जी ने बहुत अच्छी एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ किया और खासकर हमारे प्रशिक्षक बहुत अच्छे इन्होंने ढूंढे हैं, भरतपुर से आए हैं। आप खुद समझिए, भरतपुर से आपको सिखाने के लिए आए हैं। तो मेरा एक दो निवेदन आपसे है गोकुल जी, एक तो बार बार हमारे प्रशिक्षक साहब भी आ नहीं पाएंगे कि काफ़ी बिजी रहते हैं, आप ऐसे 2-3 महिलाओं का या फिर अपने लोगों का टीम बनाओ जो एक्सपर्ट बन जाए। जरूर सर। तो बाद में आपको ज़रूरत पड़ती हो कि कुछ ना कुछ और सफाई से काम करना हो, कुछ ना कुछ और डिज़ाइन सीखनी हो, या जो ऐसे थोड़े बहुत टेक सेवी हैं जो अच्छी अच्छी डिज़ाइन को यूट्यूब में देख के आपको समझा सकते हैं, मतलब आपने बनाना तो आ गया लेकिन इसकी फिनिशिंग कैसे करनी है, उस फिनिशिंग को फोकस करते अपने कुछ स्टाफ में आपको लगता है, या फिर आप में से कुछ हमारी बहनें भी कई ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, अच्छी फिनिशिंग वगैरह करती हैं ना, उनको सिखाएं, एक ग्रुप बनाएं ताकि वो आने वाले जो नए बैच हैं उनको भी और सिखा सकें। जरूर सर, इस पर ज़रूर करना। और दूसरा एक बात और है कि इसका एक कैलेंडर बना लें, पूरी साल में 12 महीने होते हैं, अब 12 महीने में आपको पूरे साल मेहनत करनी है ना, तो पूरे साल में आपको हर महीने के हिसाब से क्या क्या प्रोडक्ट आप बना सकते हो। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि होली में गुलाल की ज़रूरत होती है तो गुलाल बनाओ, गुलाल को बेचना है क्योंकि पहले बनाओगे फिर बेचने का प्लानिंग करोगे ना, कहाँ कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है। फिर उसके बाद में मान लो राखी आ रही है, राखी में आपको राखी कैसे बेचनी है, दिवाली आती है, गणेश जी की त्यौहार आता है, तो जैसे नई साल आती है तो कहाँ पे क्या क्या चीज़ बिक सकती है, आपको एक पूरी साल का चार्ट बनाइए, है ना, 12 महीने का, ताकि आपको 12 महीने कुछ ना कुछ आय का बढ़ोतरी हो सके, कुछ ना कुछ सोच सकें आप। ठीक है, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, 10 दिन की ट्रेनिंग है, 7 दिन की ट्रेनिंग होगी, ये 7 दिन के बाद भी आप आएँ, अपने घर में बैठ के अपने जो समूह बना के अपने ग्रुप बनाइए, और ग्रुप के माध्यम से आप अकेले करना बड़ा मुश्किल होता है कोई भी काम, आप ग्रुप में करोगे तो आप कुछ ना कुछ नया भी सीखोगे और आपका मन लगा रहेगा। आप बैठ के बात तो करते हैं घर पे, गांव में बात तो होती है ना, 4-5 महिलाएं हमारे बैठ गई और कुछ ना कुछ गांव की बात करना शुरू कर दिया, वो ज़रूर कीजिए। आप 4-5 ग्रुप में बैठिए, बात भी कीजिए और साथ साथ में अपना काम भी करते रहिए, तो आपका काम भी हो जाएगा, बातें भी हो जाएंगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आपके बच्चे अच्छा यूट्यूब में देखते हैं, उनको बोल के नई डिज़ाइन सीखो आप कि और क्या डिज़ाइन हो सकती है इसमें, और आपकी हेल्प के लिए, मदद के लिए संस्था है जो निरंतर आपका प्रयास करेगी, कैसे सामान बेचना है, कहाँ मार्केटिंग करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि एक बैंक आपके पास आ रहा है आपकी मदद करने के लिए, है ना, मदद तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अगर ये आपकी मदद कर रहे हैं तो आप भी बैंक के प्रति ईमानदार रहिए कि आप जो पैसा जिस मकसद से अगर आपको देंगे उस मकसद से उसको वही काम कीजिए, उससे अपनी आय बढ़ाइए और बैंक को पैसा सही समय पे वापस कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नमस्कार। हम धन्यवाद देना चाहेंगे नाबार्ड का, विशेषकर हमारे जिला प्रबंधक महोदय का, उन्होंने नवाचार करते हुए हमें प्रेरित किया इस प्रकार का प्रोजेक्ट नाबार्ड में सबमिट करने के लिए, जिससे महिलाएं ना सिर्फ आत्मनिर्भर बन पाएंगी, साथ में उन्हें नवाचार से सीखने का अवसर मिला। और मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का, जिन्होंने इस ट्रेनिंग में ना सिर्फ इन्हें सीखा
साथ में अपनी आजीविका में भी इसको सृजित करने का काम करेंगी। पुनः नाबार्ड का बार बार धन्यवाद।